हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये हमें बताता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ मरकरी एटम, मरकरी एटम के एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताता है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो एटम कहाँ पहुँच जाता है? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, ग्राउंड स्टेट से। इससे हमें इस चीज़ में मदद मिलती है कि क्वांटम थ्योरी को हम कन्फर्म कर सकते हैं। अब क्वांटम थ्योरी क्या होती है? क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ही ऑक्यूपाई करते हैं, यानी उनका जो एनर्जी स्टेट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने मान लीजिए किसी एटम को हमने एनर्जी सप्लाई की, तो उसने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करेगा वो एक फिक्स मैनर में एब्जॉर्ब करेगा और फिक्स मैनर में एमिट भी करेगा। इज़ दैट क्लियर? यानी एनर्जी कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा आपको। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे एक एटम लिया हमने, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइयर एनर्जी लेवल में है, ये हमारा हाइयर एनर्जी लेवल। इज़ दैट क्लियर? और ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और जो एनर्जी जो एमिट करेगा वो कैसी होनी चाहिए? डिस्क्रीट होनी चाहिए, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होनी चाहिए। मतलब n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह की होनी चाहिए, ना कि 2.2, 3.2, 4.2 इस तरह की नहीं होनी चाहिए। फिक्स एनर्जी लेवल होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमें बताता है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड ओनली डिस्क्रीट या क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स। अब चलिए इसके सेटअप को देखते हैं। तो इसके सेटअप में हमने लिया है वैक्यूम ट्यूब। क्या लिया है? वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब लिया हमने, और इसमें हमने फिल कर दिया मरकरी वेपर। क्या फिल कर दिया? मरकरी वेपर। और इसमें हमने तीन इलेक्ट्रोड लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड, ग्रिड और एनोड। इज दैट क्लियर? वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, उसमें हमने मरकरी वेपर फिल किया है, फिर उसके बाद हमने थ्री इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिए हैं और हमने दो बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरह से, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एमीटर लगा दिया करंट को मेज़र करने के लिए। अब यहाँ पे कैथोड में हम हीट करेंगे थर्मोआयनिक इमिशन से। थर्मोआयनिक इमिशन की मदद से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएंगे बैटरी की सप्लाई से। तो जैसे ही बैटरी की सप्लाई से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होंगे वो क्या करेंगे? आगे की तरफ जाएंगे, और ग्रिड जो होता है, ग्रिड का जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रिड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी होगी तो वो ग्रिड को पास कर जाएंगे और एनोड की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पास कर जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे वो एक सर्किट को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे हमको करंट मिलेगा और एमीटर पे हमको कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी। इज़ दैट क्लियर? मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा। थर्मोआयनिक इमिशन से हमने यहाँ पे बैटरी सप्लाई की और थर्मोआयनिक इमिशन से हमने इलेक्ट्रॉन को एमिट कराया, यानी हीटेड कैथोड हम इसको कहेंगे। हीटेड कैथोड इलेक्ट्रॉन को एमिट कराया, और ये ग्रिड का क्या काम है? एक्सेलरेट करने का इलेक्ट्रॉन को। तो ग्रिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो इसको पार कर जाएंगे और एनोड पे चले जाएंगे, जिससे यहाँ पे करंट फ्लो होगी। एनोड को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे और यहाँ पे करंट फ्लो होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बैटरी को जैसे हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाएंगे और तेज़ी से जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब करंट भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। तो जैसा ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ पर करंट हमको इंक्रीज़ होता जाएगा। इज़ दैट क्लियर? करंट क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मरकरी एटम से टकरा के इस तरफ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? मरकरी एटम से टकराते हैं और इस तरफ जाते हैं, यानी मरकरी एटम से टकराएंगे तो कौन सा कोलिजन होगा यहाँ पर? यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा।
और यहाँ पे जब इधर की तरफ चले जाएंगे तो करंट यहाँ पे इजीली फ्लो होगा, एमीटर पे हमको रीडिंग मिलेगी। लेकिन जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक फिक्स वोल्टेज आएगा 4.9 वोल्ट, जिस पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा मरकरी पे वो हो जाएगा इनइलास्टिक। क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। पहले क्या था, जब 4.9 से कम था वोल्टेज तो कोलिजन कैसा था, इलास्टिक कोलिजन था। लेकिन जब 4.9 से वोल्ट पर पहुंच गया तो कोलिजन कैसा हो जाएगा, इनइलास्टिक। और जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो कर देंगे, अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो जब ये एनर्जी को लूज कर देंगे तो इधर जा ही नहीं पाएंगे, और जब ये इधर नहीं जा पाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होती है, करंट इंक्रीज होगी, लेकिन एक फिक्स वोल्टेज पे 4.9 वोल्ट पे क्या होगा, कोलिजन इनइलास्टिक होगा। किससे? मरकरी एटम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मरकरी एटम से टकराएंगे। मरकरी वेपर हमने लिया है ना इस ट्यूब में, तो इससे टकराएंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। किस वोल्ट पे? 4.9 वोल्ट पे। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसी वोल्ट पे क्या होगा, करंट हो जाएगा ड्रॉप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी इससे टकराने के बाद में। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएंगे। दैट मीन्स करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे लगभग ज़ीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप ग्राफ में भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन 4.9 पे क्या हो रहा है, सीधा ड्रॉप हो रहा है। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम देख रहे हैं खास वोल्टेज पे, फिर 9.8 पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ खास वोल्टेज पे, यानी 4.9 के मल्टीपल पे करंट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार और इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन जब होता है, देखिए मरकरी एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा होता है, तो जब ये इससे टकराएगा इलास्टिक कोलिजन में तो ये अपनी डायरेक्शन को ही चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करेगा, स्पीड को नहीं चेंज करेगा, डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। अब जब ये स्पीड को नहीं चेंज करेगा तो इसकी एनर्जी तो वही रहेगी, यानी एनर्जी लॉस नहीं होगी। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इलास्टिक कोलिजन में स्पीड चेंज नहीं होती, इन इलास्टिक कोलिजन में स्पीड चेंज होती है। इज दैट क्लियर? तो यही है हमारा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे क्या लिया था, दो बैटरी ली थी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट कराया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मरकरी से टकराएंगे, मरकरी से टकराने के बाद ये ग्रिड की तरफ पास कर जाएंगे और यहाँ पे करंट एनोड पे हमको यहाँ पे करंट मिलेगी एमीटर पे रीडिंग। लेकिन एक फिक्स वोल्टेज पे 4.9 वोल्ट पे क्या होगा, कोलिजन मरकरी एटम से इनइलास्टिक हो जाएगा। इनइलास्टिक कोलिजन में आपको मैंने बताया कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है, यानी स्पीड चेंज होगी तो एनर्जी भी लो हो जाएगी, एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। तो 4.9 वोल्ट पे ही क्या होता है, करंट ड्रॉप हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट में ही होते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सर 4.9 वोल्ट में क्यों इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो 4.9 वोल्ट पे जो मरकरी एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब जब कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो फिर वो और एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इसमें क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। किसमें? मरकरी एटम में। इज दैट क्लियर? इन इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो मरकरी एटम में एनर्जी डिपॉजिट हो जाएगी, और यही एनर्जी जो होगी कुछ टाइम बाद एमिट हो जाएगी यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस की तरह। यही एनर्जी जो एटम में जमा हो गई, एटम में डिपॉजिट हो गई, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसमें शिफ्ट हो गई, फिर कुछ देर बाद यूवी रेस की तरह इसमें से निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? यानी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी जो इसमें शिफ्ट हुई है वो बराबर होगी 254 नैनोमीटर के, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 254 नैनोमीटर, यानी यूवी रेस की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है। इज दैट क्लियर?
तो इस वीडियो में हमने समझा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।